क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 mile NH 31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा, अटैच अंडरग्राउंड कमरे ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल, पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। अतिक्रमण हटाने का कार्य हुआ प्रारंभ। आज तल कमांची से घंटाघर तक अतिक्रमण हटाया गया। कल होगी लोहिया पुल तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। शहर में काफी जाम का माहौल बना रहता है, यातायात व्यवस्था काफी लचर हो जाती है। उसका मुख्य कारण रोड के किनारे अतिक्रमण है। इसको लेकर जिला प्रशासन आज से फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रारंभ कर दिया। इसको लेकर संबंधित जगहों पर चिन्हित भी कर दिया गया था, पहले से माइकिंग भी कराई जा रही थी। बताते चले कि अतिक्रमण हटाने का काम 2 दिनों तक 26 मार्च और 27 मार्च को चलना सुनिश्चित हुआ। SDO धनंजय कुमार के आदेशानुसार दंडाधिकारी की नियुक्ति और पुलिस की तैनाती में ये कार्य कराया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के क्रम में प्रशासन को कई जगह काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज तिलका मांझी चौक से कचहरी चौक, कचहरी चौक से घंटाघर चौक और उसके आसपास अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी जूनियर इंजीनियर छविनाथ राम अपने पूरे दलबल के साथ मौजूद थे। वहीं कल 27 मार्च को घंटाघर चौक से आगे पटल बाबू रोड होते हुए लोहिया पुल और स्टेशन चौक तक अतिक्रमण हटाया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक आप अतिक्रमण हटवाए? तिलका मांझी से घंटा घर तक क्लियर करवा रहे हैं। क्या अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं? मतलब इसमें क्या लोगों से आज समझाए बुझाए के सामान भी हटवाए? समझा बुझा करके हटवा दिया गया। अच्छा। है इधर से फिर जा करके चेक इन करने में कौन नहीं लोग फिर पुनः लगाएंगे तो क्या कीजिएगा? पुनः फिर 15 दिन पर फिर ऐसा करके अभी आप जा रहे हैं हटवा कर जी। वापस पुनः आइएगा फिर लगा देगा तब क्या कीजिएगा? उसके लिए तब तो नाम लिखना होगा। जितने आदमी लगाए हुए हैं उनका नाम लिख करके जो है उस पर नोटिस करना होगा कि आप बिना वेंडर कार्ड का आप लगा रहे हैं या अनलीगल है। वेंडर कार्ड लीजिए तब जा करके दुकान लगाइए। वेंडर कार्ड लेने के बाद रोड पर लगा सकते हैं क्या? जी नहीं, रोड पर लगाने का कहीं वेंडर कार्ड नहीं मिलता है। तो कुछ जमीन भी मुहैया किया गया है जी? वेंडर जोन है, वेंडर जोन स्थापित है। अच्छा, तो उसमें वेंडर कार्ड बनता है दुकान लगाने के लिए। परिचय बता दिया। मैं छविनाथ राम जूनियर इंजीनियर प्रतिनियुक्त सहायक प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी। TMBU में स्थायी कुलपति की मांग को लेकर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघर्ष समिति ने किया धरना प्रदर्शन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ समिति के तत्वावधान में प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में आज विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। डॉक्टर योगेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विगत 3 महीनों से फाइल्स का अंबार लगा हुआ है, चाहे वो शिक्षकों की फाइल हो, छात्रों की फाइल हो या कर्मचारियों की फाइल। हस्ताक्षर कराने के लिए लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता है। आज के प्रदर्शन के तहत हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द स्थायी कुलपति नियुक्त हो, नहीं तो ये प्रदर्शन लगातार होता रहेगा। धरना प्रदर्शन में कई शिक्षक व छात्र छात्राएं भी उपस्थित थे। SM कॉलेज में NSS के 7 दिवसीय समर स्पेशल कैंप के दूसरे दिन कल कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। 31 मार्च को होगा शिविर का समापन। SM कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के 7 दिवसीय विशेष ग्रीष्मकालीन शिविर का उद्घाटन कल ही GF हॉल में किया जा चुका है। आज कैंप का दूसरा दिन है। NSS के स्पेशल कैंप में SM कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रमन सिन्हा, TMBU के जनसंपर्क पदाधिकारी PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर के अलावा Unit 1 के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अनुराधा प्रसाद, Unit 2 के PO डॉक्टर हिमांशु शेखर आदि ने बच्चियों को NSS के बारे में कई बातों पर प्रकाश डाला। आज शिविर के दूसरे दिन आत्मरक्षा के लिए कराटे की ट्रेनिंग दी गई, साथ ही साथ साफ सफाई का कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए NSS विंग को 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। बताते चलें कि NSS के समर स्पेशल कैंप में कुल 50 छात्राएं भाग ले रही हैं। ये सभी छात्राएं महाविद्यालय के विभिन्न विषयों और कक्षाओं की हैं। शिविर के दौरान प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें प्रमुख रूप से योगा, कराटे, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल जीवन हरियाली, स्किल डेवलपमेंट पर रचनात्मक, कलात्मक व सृजनात्मक गतिविधियों पर आधारित जागरूकता कार्यक्रम आदि शामिल हैं।
छात्राओं में एनएसएस शिविर को लेकर काफी उत्साह देखा गया। मौके पर डॉक्टर नीलम कुमारी, उर्दू की शिक्षिका डॉक्टर जूही बानो के अलावा एनएसएस की स्वयंसेविकाएं रोजी सिंह, शिवांगी सिंह, आयुषी सिंह, स्नेहा सिंह, रिया साक्षी, खुशबू, स्वाति सागर सहित दर्जनों छात्राएं उपस्थित रहीं। मालदा रेल मंडल सिकलाइन सेठ भागलपुर कोचिंग डिपो का हुआ उद्घाटन। मालदा रेल मंडल सिकलाइन सीट भागलपुर कोचिंग डिपो का आज उद्घाटन महाप्रबंधक पूर्व रेलवे कोलकाता के अरुण अरोड़ा ने फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। कार्यक्रम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कारखाना परियोजना संगठन पटना के मनु गोयल मंडल, रेल प्रबंधक मालदा के यतेंद्र कुमार और प्रधान मुख्य यांत्रिकी इंजीनियर पूर्व रेलवे के SR घोषाल भी उपस्थित थे। मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने कहा, यहां से डिमांड ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चलने की है, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के चलते गाड़ियां ज्यादा नहीं चल पा रही। अब पर विचार किया जा रहा है, उम्मीद है जल्द ही गाड़ियां यहां से बढ़ेंगी। कुछ टेक्निकल परेशानियों के चलते गाड़ियों का बढ़ाना इस रूट में सही नहीं था, इस पर कार्य चल रहा है, जल्द ही लोगों को सेवा मिलेगी। वहीं उन्होंने 24 कोच से बढ़ाकर 30 कोच चलाने की भी बात कही। NHB के लिए जमालपुर जाना पड़ता था, अब डीजल शेड में सारा काम भागलपुर में होगा। उन्होंने कहा कि यहां से मरम्मत की जाएगी, साथ ही उन्होंने कहा अगरतला वाली राजधानी एक्सप्रेस भागलपुर होते हुए गुजरेगी। स्मार्ट सिटी के काम से परेशान हैं शहर के लोग। भागलपुर के समाहरणालय परिसर के सामने शहर में जलापूर्ति को लेकर बुडको द्वारा ADB प्रोजेक्ट के तहत जलापूर्ति के लिए कई दिन पहले ही गड्ढा खोदकर पाइप बिछाया गया था, जिसके बाद सड़क पर यूं ही गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया गया था। लगातार चल रही पछुआ हवा और गर्मी के बढ़ते प्रभाव के कारण इस रास्ते से बड़ी संख्या में गाड़ियों की आवाजाही के कारण दिन भर यहां धूल भरी आंधी का नजारा देखने को मिल रहा है, जिससे इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को तो काफी परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है। साथ ही साथ आसपास के दुकानदार भी लगातार उड़ रही धूल के कारण काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लगातार उड़ रही धूल से परेशान दुकानदार एक ओर जहां स्थानीय जिला प्रशासन और राज्य सरकार को पूछ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस पर व्यंग करते हुए सरकार के द्वारा पाउडर लगाए जाने की बात भी कर रहे हैं। पंचतत्व में विलीन हुए डॉक्टर आर.के. राणा। खगड़िया लोकसभा के पूर्व सांसद से गोपालपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर आर.के. राणा का पार्थिव शरीर शनिवार की सुबह पैतृक आवास नारायणपुर पहुंचा। रास्ते में राजमार्ग 31 बेगूसराय बॉर्डर से ही जगह जगह समर्थकों का हुजूम, अंतिम दर्शन कर फूल माला देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। नारायणपुर आवास पहुंचते ही खगड़िया, नवगछिया, भागलपुर, कटिहार, बांका समेत अन्य जगहों से अंतिम दर्शन को लेकर विभिन्न पार्टी के नेता पहुंच श्रद्धांजलि अर्पित की। मथुरापुर बाजार बलाहा का भ्रमण करते हुए शव यात्रा गंगा घाट पहुंची, जहां पंडित के मंत्रोच्चारण के साथ तीनों भाई अमित राणा, डॉक्टर गौरव राणा, डॉक्टर सौरभ राणा, दामाद NHI के RO अभिलाष कुमार ने शव का फेरा लगाकर छोटे पुत्र ने मुखाग्नि दी। मौके पर गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव, MLC प्रत्याशी संजय यादव, रंगरा प्रमुख मोती यादव, डॉक्टर तिरुपति नाथ यादव, शैलेश यादव, डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राजद प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर खालिद, पूर्व PP चंद्रदेव यादव, पूर्व सांसद बुलो मंडल कुंदन यादव, जिला पार्षद उपाध्यक्ष प्रणव यादव, TN यादव, नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि W यादव, मुरारी चुरानिया, राजकिशोर यादव, जयप्रकाश यादव, उप प्रमुख अशोक यादव, व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रसून कुमार उर्फ गंगा सिंह, गयास अली भारतेंदु मिश्रा, मोहम्मद गयास अली, राजेश यादव, राजेंद्र यादव, दिनेश यादव, विजय सिंह कुशवाहा, जिला पार्षद नंदिनी सरकार, विनोद मंडल, मुकेश राणा, अजय कुशवाहा, नगर अध्यक्ष कौशल जायसवाल, जिला पार्षद मोइन राइन, जिला पार्षद प्रतिनिधि चंदन चौधरी। इस्माइलपुर के नारायणपुर लक्ष्मीपुर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग, धू धू कर जला घर। इस्माइलपुर प्रखंड अंतर्गत नारायणपुर लक्ष्मीपुर गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अरुण मंडल के घर से आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि अन्य 4-5 घरों में आग की लपटों में ले लिया। आग लगने से आसपास के घरों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने इस्माइलपुर BDO CO थाने को दी। दमकल की गाड़ी पहुंचते पहुंचते आग के चपेट में 5 घर आ चुके थे। स्थानीय लोगों और दमकल की गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग की तेज लपटों के कारण 2 गैस सिलेंडर विस्फोट हुए, इनमें कुछ लोगों को चोटें आई हैं। इस्माइलपुर PSC के चिकित्सक पहुंचकर घायलों का इलाज मौके पर कर रहे हैं। इस्माइलपुर CO ने बताया कि दमकल गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया गया। अरुण मंडल, श्याम सुंदर मंडल, कारू मंडल, रेशमा देवी, मंजू देवी, विपिन मंडल के घर जल गए। इस आग लगी की घटना में लाखों रुपए की क्षति हुई। अंचलाधिकारी ने बताया कि हम लोगों ने सरकारी नियमों के अनुसार सभी पीड़ित परिवार को 9,800 रुपए का चेक और पॉलिथीन उपलब्ध करा दिए हैं। वहां स्थानीय लोगों के द्वारा भी चूरा, चीनी आदि उपलब्ध कराया गया है।
नवगछिया के स्टेशन रोड में किराना दुकान में भीषण चोरी, 8 लाख मूल्य के सामान लेकर गए चोर। नवगछिया स्टेशन रोड स्थित किराना दुकान से 8 लाख रुपए के सामान की चोरी कर ली गई। इस संबंध में पीड़ित ने नवगछिया थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया। पीड़ित दुकानदार विजय मंडल ने बताया कि 25 मार्च की रात्रि किराना दुकान बंद कर अपने घर चला गया था। 26 मार्च की सुबह हमारे दुकान के पड़ोसी ने मोबाइल पर फोन कर बताया कि आपके दुकान का चदरा कटा हुआ है। सूचना पर दुकान आकर देखा तो मेरे दुकान का चदरा कटा था और दुकान से बहुत सारे सामान की चोरी हो गई। निधि चाय 8 थैला, सिगरेट 3 पेटी, राकेश मसाला 6 पेटी, सीपी गोलू 20 पेटी, अनमोल 5 पेटी, रिफाइन 20 पेटी, एलबी साबुन 10 पेटी, लक्स साबुन 8 पेटी, फेयर एंड लवली पाउच 2 पेटी, फेयर एंड लवली 100 ग्राम 2 पेटी, कोलगेट 4 पेटी, रीन 8 पेटी, डब साबुन 5 पेटी, कुबेर 5 पेटी है। पुलिस स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। नवगछिया थानाध्यक्ष भरत भूषण ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित ने 8 लाख रुपए के सामान की चोरी होने की बात कही। घटना की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पास पड़ोस के दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जाएगी। एनएसएस के दूसरे दिन कार्यक्रम के तहत मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सीता भगत के नेतृत्व में हरनाचक वार्ड संख्या 2 में पहुंचकर एनएसएस स्वयंसेवकों के द्वारा स्वच्छता की महत्व जानकारी स्थानीय लोगों को दी गई। कार्यक्रम के दूसरे दिन कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि हम लोगों ने इस कार्यक्रम के तहत लोगों को कोरोना बीमारी गंदगी के कारण फैलता है, इसके बचाव में साफ सफाई जरूरी है, जिसके बारे में लोगों को समझाया। साथ ही साथ सरकार द्वारा दी जा रही टीका भी लगाना अनिवार्य समझे। वही मौके पर मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय की छात्रा स्वयंसेवक ग्रुप लीडर द्वारा समाज में स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला गया। मौके पर पंचायत के मुखिया अमित चौधरी सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया के जीबी कॉलेज में एनएसएस 7 दिवसीय विशेष कार्यक्रम के तीसरे दिन दलित टोला सिमरा में साक्षरता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर मोशत हुसैन कर रहे थे। बच्चों के बीच पेंसिल पुस्तक का वितरण किया गया। शिक्षा के प्रति बच्चों के अभिभावक को भी बताया गया। वहीं मौके पर शिक्षक डॉक्टर दिव्य प्रियदर्शी, डॉक्टर अरशद जमा, डॉक्टर अजहर अली, डॉक्टर प्रवीण प्रकाश, शिक्षकेतर कर्मी प्रमोद कुमार रंजन के अलावा स्वयंसेवक मंदोदरी प्रीति, शिवानी आनंद, राजेश ज्योति, कुसुम आरती, धर्मेंद्र आंचल, अनामिका कनीज, अभिनव नीतीश सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया में शनिवार को बिजली की लगातार कटौती से लोगों को भीषण गर्मी में घोर परेशानी का सामना करना पड़ा। नवगछिया बाजार गोपालपुर इस्माइलपुर में बिजली की कटौती की गई। सुबह से ही बिजली बार बार कट रही थी। दिन के 11 बजे कटने के बाद शाम के 7 बजे बिजली आपूर्ति सही हुई। बिजली नहीं रहने के कारण मोबाइल चार्ज में भी काफी परेशानी हुई। दुकानदार मंटू ने बताया कि दिन भर आंख मिचौली करती रही, जिसे जनरेटर भी दम तोड़ने लगा था। बिना सूचना के बिजली काटी जा रही है। बिजली विभाग के कनीय अभियंता प्रशांत ने बताया कि 2.5 घंटे लोड सीडिंग था और बाद में ब्रेकडाउन हो गया था, जिसके कारण बिजली बाधित रही। शिक्षा विभाग की उदासीनता रवैये के कारण ढोलबज्जा में प्रश्न पत्र खरीदने के लिए दुकानों पर छात्रों की उमड़ी भीड़। अपना प्रश्न पत्र खरीद कर स्कूली बच्चे दे रहे वार्षिक परीक्षा। बिहार में इन दिनों प्राथमिक व मध्य विद्यालय में छात्र छात्राओं की वार्षिक परीक्षा चल रही है, जहां शिक्षा विभाग की उदासीन रवैये से मध्य विद्यालय ढोलबज्जा में परीक्षा दे रहे स्कूली बच्चों को प्रश्न पत्र नहीं मिलने से परेशान है। परीक्षार्थियों ने निजी दुकान से अपना प्रश्न पत्र खरीद कर परीक्षा देने को मजबूर है, जिनमें एक छात्र को प्रश्न पत्र खरीदने में करीब 20 से 22 रुपए के खर्च लग रहे हैं। शनिवार को प्रश्न पत्र खरीदने के लिए ढोलबज्जा के एक दुकान में करीब 10:15 बजे स्कूली बच्चों की भीड़ उमड़ती देखी गई। सभी बच्चे एक ही प्रश्न पत्र को फोटोकॉपी करा रहे थे। विद्यालय प्रधानाध्यापक से संपर्क नहीं हो पाया। स्कूल के शिक्षक घनश्याम कुमार ने बताया कि हर कक्षा में हर एक विषय के लिए एक ही प्रश्न पत्र विभाग से मिले हैं। पदाधिकारी के द्वारा कहा गया है कि इसी प्रश्न पत्र से सभी बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखाकर परीक्षा ली जाए, लेकिन कुछ बच्चे ब्लैक बोर्ड से प्रश्न लिखकर परीक्षा देना असुविधाजनक समझा। प्रश्न पत्र से परीक्षा देने में सहूलियत हो, इसके लिए कुछ छात्रों ने अपने पैसे से प्रश्नों की फोटोकॉपी करा परीक्षा दे रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि नवगछिया के 6 प्रखंडों में पर्याप्त प्रश्न पत्र है, लेकिन नवगछिया बीआरसी में इस तरह की समस्या है, जिससे परीक्षा दे रहे बच्चे परेशान हैं। वहीं ढोलबज्जा के सरपंच सुशांत कुमार ने भी मध्य विद्यालय ढोलबज्जा पहुंचकर जांच पड़ताल किया। नवगछिया बीओ विजय कुमार झा ने बताया कि कोरोना काल के पहले 20 मार्च 2020 को ही प्रश्न पत्र मिला था। 22
मार्च को लॉकडाउन लगने से परीक्षा स्थगित हो गई थी। शिक्षा विभाग से निर्देश मिला कि 2 साल पहले मिले उसी प्रश्न पत्र से परीक्षा ली जाए। जितना बचे हुए प्रश्न पत्र थे सभी स्कूलों को उपलब्ध कराया गया है। कई जगह की चार्ज मिलने से व्यस्तता के कारण संबंध में BRC के अपने कर्मियों से जानकारी नहीं ले पाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आपने इसकी जानकारी दी, जिसे संज्ञान में लेकर सोमवार को इस समस्या का निदान कर दिया जाएगा। ढोलबज्जा के मंदिर से भगाए गए साधु ने ग्रामीणों पर लगाया आरोप। 1,37,000 नगद समेत मोटरसाइकिल व 4-चक्का वाहन भी कर लिया जब्त। छेड़खानी के आरोप में सत्संग मंदिर ढोबनिया से भगाए गए नौगछिया हरनाथ चक के रहने वाले साधु मनकेश्वरानंद ने वहां के ग्रामीणों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मनकेश्वरानंद ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों द्वारा मारपीट करने के बाद मेरे पास रखे नगद 60,000 रुपए ले लिया। उसके बाद मेरे खाते से करीब 2,25,000 रुपए थे, जिससे वे स्थानीय CSP संचालक को बुलाकर 10,000 की निकासी कर दी। खाते पर शेष बचे रुपए की भी मांग कर रहे हैं। वहीं धोबनिया निवासी विलास यादव की जमीन 67,000 में सूद भरना लेकर खेती कर रहे थे, वह भी पैसा शनिवार को विलास यादव से भी ले लिया। वहीं मेरी एक 4-चक्का इंडिका व एक ग्लैमर मोटरसाइकिल भी नहीं दिया है। सारे सामान ग्रामीणों ने जबरदस्ती रख लिया है। उक्त बातों को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि धार्मिक स्थल पर रहे करीब 15 साल साधु ने 5-6 बार छेड़खानी कर दिया, जो कुछ लोगों ने समझा बुझाकर मामले को दबा रहे थे। लेकिन होलिका दहन के दिन जब अन्य ग्रामीणों ने आपत्तिजनक हालत में साधु को एक महिला के साथ पकड़ लिया, तो सारे गलत कारनामों से पर्दा उठ गया। मंदिर में दान के रूप में जो भी पैसे मिले थे वही रखा गया है। सूद भरना जमीन लेने की जो बात है वो मंदिर के पैसे से लिया गया था। उसके बाद साधु के द्वारा लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने नालसी वाद के एक मामले में न्यायालय द्वारा कॉजिनेंस लेने पर शनिवार को नौगछिया न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जमानत करवाया। बताते चलें कि नौगछिया के राजेंद्र कॉलोनी के दीपक कुमार ने सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा पर गाली गलौज करने, प्रति माह 10,000 रुपए नहीं देने तो अपने प्रभाव से जेल भेजने का आरोप लगाकर परिवारवाद न्यायालय में दायर किया था। दीपक कुमार नौगछिया में RK मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ट्रेनिंग प्राप्त कर उक्त संस्थान से प्रमाण पत्र लेकर फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक चलाते थे। नारायणपुर के भवानीपुर ओपी क्षेत्र के नारायणपुर गांव से भवानीपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर शुक्रवार की रात्रि नितेश यादव एवं टोनी यादव को गिरफ्तार कर स्वास्थ्य जांच के बाद न्यायिक हिरासत में कोर्ट से जेल भेज दिया। उक्त जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि थाना क्षेत्र में भवानीपुर पुलिस ने कोर्ट से फरार चल रहे दोनों आरोपित पर शराब तस्करी का आरोप लगाया है। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी परिसर में शनिवार को भूमि विवाद से जुड़ा जनता दरबार लगाया गया। अजय कुमार सरकार ने कहा कि मनोहरपुर बलहा भमरपुर के 3 मामले भूमि विवाद से जुड़ा निष्पादित किया गया, जबकि 2 मामले में सुनवाई की तिथि अगली रखी गई है।